हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर की आज 32 क्लास और एक बार फिर दीपावली के खूबसूरत सेलिब्रेशन के बाद अपनी स्टडी को कैरी ऑन करते हुए नॉर्सेट 2023 की टूवर्ड्स रन करते हुए इस सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ एक नई शुरुआत आप करना चाहोगे एक नई एनर्जी के साथ, और स्पार्क जो है आपने दिवाली की खुशियों से लिया होगा, माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, और एक लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ मिल बांट करके एक खुशनुमा पल आपने जिया होगा। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, असली दिवाली जो है वो नॉर्सेट 2023 के बाद सेलिब्रेट होगी। तब तक हम लोग अपने मिशन पे फोकस करेंगे और मिशन है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज का इंपॉर्टेंट सेशन फिर कैरी ऑन करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिएगा। टारगेट भले ही आपका छोटा है, लक्ष्य भले ही आपका छोटा है लेकिन संकल्प जो है हमेशा बड़ा रखिएगा, सोच जो है वो बड़ी रखना, तो लक्ष्य तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। देवाशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। पुष्पांजलि, सुख सिद्धू, मंजू चौहान, हिमानी, मिथिलेश, श्रीलता, ऋषि कुंड्रा, काजल, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रोहितास बैरुआ, विकास, नीलम वर्मा, गामनी सुथार, आप सभी का जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम कैरी ऑन कर, सेशन का पहला एमसीक्यू आपके सामने, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आई वॉज क्लियरली मेंशन कि ए फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड साइटोक्सिन साइक्लोफॉस्फामाइड फॉर क्लाइंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम द नर्स शुड। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, डॉक्टर ने एक ड्रग ऑर्डर किया जिसको हम साइटोक्सान या साइक्लोफॉस्फामाइड बोलते हैं, और मैं बताना चाहता हूं आपको ये जो है ये एल्किलेटिंग एजेंट बोल सकते हैं, कीमोथेरापी ड्रग बोल सकते हैं, कीमोथेरेपी या एंटी न्यूक्लास्टिक ड्रग बोल सकते हैं, एल्किलेटिंग एजेंट, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स है उसका नाम एल्किलेटिंग एजेंट, और एल्किलेटिंग एजेंट का एग्जांपल जो है वो आपका है साइक्लोफॉस्फामाइड। फॉर क्लाइंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेशेंट जो है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक बात का ध्यान रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चार जो है वो क्लासिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। एक होता है बच्चों हाइपरलिपिडीमिया, एक होगा प्रोटीन यूरिया, एक होगा बच्चों प्रोटीन यूरिया, एक होगा मैसिव एडिमा और एक होगा हाइपो एल्बुमिनीमिया। ये चार सिम्टम जब एक साथ होते हैं दैट कंडीशन वी कैन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तरह का पीडियाट्रिक डिसऑर्डर है, रीनल सिस्टम का डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में चार पैरामीटर एक साथ डेवलप होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, मैसिव एडिमा, प्रोटीन यूरिया और हाइपोएल्बुमिनीमिया। थैंक यू सुरजीत माथुर। तो इस पेशेंट को साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो डेफिनेटली डियर नर्स जो है नर्स शुड अब डियर नर्स को पूछा कि डियर नर्स जो है वो क्या करेगी, एनकरेज क्लाइंट टू ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूड, क्या पेशेंट जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूड को ड्रिंक करने के लिए एनकरेज करेंगे, क्या रिक्वेस्ट टू लो प्रोटीन डाइट फॉर द क्लाइंट, या बाथ द क्लाइंट यूजिंग ओनली माइल्ड सोप एंड वाटर
या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोवाइड एडिशनल वार्म्थ फॉर द स्वेल ऑन इन्फ्लेम्ड जॉइंट। आपको चारों में से एक करेक्ट करना, चार में से कौन सा सही होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि साइक्लोफोसफामाइड ड्रग, बिल्कुल काफी बच्चों ने इसका क्लू दिया है, काफी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस ने क्लू दिया। थैंक यू मोनालिशा, आंसर पुट करें। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि सर ये ड्रग कहीं इनके रीनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। हाँ एब्सोल्युटली फाइन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को दे रहे हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, रीनल सिस्टम को फिर ये कॉज करता है, क्या कॉज करता है आप फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए आपका आंसर आ रहा, क्या बात है, जबरदस्त पार्टिसिपेशन। एक्चुअली साइक्लोफोस्फामाइड जो है ये रीनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम इस ड्रग को यूज कर रहे हैं, रीनल सिस्टम को अफेक्ट करता है, और रीनल सिस्टम में भी ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है। सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लेडर में इंफ्लामेशन के साथ ब्लीडिंग कॉज करता है। तो कौन सा इंटरवेंशन है डियर नर्स जो है वो फॉलो करेगी। ऑप्शन ए आपने लिखा, क्या बात है बच्चों, एब्सोल्युटली। लक्षराज जोशी, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूड, टू ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूड एंड फ्लैश फ्लैश आउट मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या बात है, डेफिनेटली इस ड्रग को यदि हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है किडनी में ब्लड से फिल्टर होके डेफिनेटली यूरिनरी ब्लेडर में पहुंचते हैं, और ये लंबे समय तक ये मॉलिक्यूल्स ऑपर स्टोरेज रहते हैं, तो इट मे कैन कॉज ब्लीडिंग। तो ज्यादा पानी पीने से फ्लैश आउट ज्यादा होगा। थैंक यू सोनाली अंसारी, शुक्रिया मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए क्लाइंट विद द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टेक 20 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट 7 AM। द नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत अच्छा एमसीक्यू है, बहुत अच्छा एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस INDD, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसको हम लोग ब्रिटल बोल सकते हैं, इसको हम लोग ज्वीनाइल बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस बोल सकते हैं, और इसको हम लोग टाइप फर्स्ट भी बोल सकते हैं। डेफिनेटली जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होगा तो उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना होगा, इंसुलिन, क्योंकि ये पेशेंट जो है इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इंसुलिन सप्लीमेंट देना पड़ेगा। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस का मतलब ही होता है द पेशेंट पैनक्रियाटिक इजलेट कैन नॉट एबल टू एडमिनिस्टर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, या कैन नॉट एबल टू सीक्रीट। गार्ड साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खान साहब ये रॉबिन कॉल इसको ब्लॉक करें तुरंत, खान साहब इस बच्चे को तुरंत ब्लॉक करें, अनवांटेड एक्टिविटीज यहां पर अलाउ नहीं है, प्लीज ब्लॉक इट राइट नाउ। ओके फाइन, ए क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टेक 20 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट 7 AM। डेफिनेटली टाइप फर्स्ट है, इंसुलिन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। इसी में भी जो इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं इंटरमीटेंट एक्टिंग ऑफ इंसुलिन। देखिए ये एनपीएच जो है इंटरमीटेंट टाइप ऑफ इंसुलिन, जैसे आप लोग शॉर्ट एक्टिंग पढ़ते हो, लॉन्ग एक्टिंग पढ़ते हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो मैंने लिखा है कि ये एनपीएच है इंटरमीटेंट एक्टिंग है, इंटरमीटेंट एक्टिंग ऑफ इंसुलिन है। हमेशा जब भी इंसुलिन जो है वो पीक पे जाएगा तो क्या कॉज करेगा बच्चों, वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। पीक का मतलब अपने टॉप लेवल पे, जब फंक्शनिंग कैपेसिटी में सबसे टॉप लेवल पे पहुंचेगा, डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ये हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। तो मैंने यहां मेंशन किया है कि हाइपोग्लाइसीमिया कितने बजे करेगा, पेशेंट को एनपीएच जो है वो 7 AM को दिया, तो आपके पास पहले मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, क्या वो 8 AM को कर देगा हाइपोग्लाइसीमिया, क्या बच्चों वो 10 AM को हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, क्या 3 PM को हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, क्या बच्चों 5 AM को हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। तारा पटेल वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना।
मैं बात कर रहा हूं एनपीएच का, और एनपीएच जो है इंटरमीटेंट एक्टिंग ऑफ इंसुलिन है बच्चों, इंटरमीटेंट एक्टिंग ऑफ इंसुलिन है। अब आप मुझे बताएं, डेफिनेटली इंटरमीटेंट जो है इसका 16 टू 24 आवर्स तक इसका मैक्सिमम इफेक्ट है, और 6 टू 8 आवर्स जो है एडमिनिस्टर करने के बाद में ये पीक पे जाता है, ये पीक पे जाता है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया, अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि एनपीएच जो है इंटरमीटेंट एक्टिंग ऑफ इंसुलिन यदि किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्टर करने के 6 टू 8 आवर्स में ये पीक पे पहुंचता है, और 16 टू 24 आवर्स तक इसका मैक्सिमम इफेक्ट रहता है, मैक्सिमम इफेक्ट रहता है। अब आपको आंसर पुट करना कौन सा करेक्ट होगा। देखिए यहाँ दो जगह बच्चे कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 पीएम और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 10 एएम, बट आई वांट सिंगल आंसर। हाँ बिल्कुल 6 टू 12 आवर तक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं पीक, एब्सोल्युटली। ऑलमोस्ट बच्चों ने सी लिखा, एब्सोल्युटली फंटास्टिक, क्या बात है, क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। याद रखिएगा कोई भी इंसुलिन पीक पे जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा, और 6 टू 8 या मैक्सिमम 6 टू 12 आवर हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज अ पीक ड्यूरेशन, पीक ड्यूरेशन। 6 टू 8 एक फर्स्ट रेंज है, बट 6 टू 12 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पीक। हाँ 10 एएम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सी जिन्होंने लिखा उसका एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिकॉज सुबह 7 बजे दिया है, 7 एएम को दिया है, फिर 8 9 10 11 12 1 2 3 3 आवर्स और 2 आवर्स, तो लगभग 8 आवर्स पे हमने इसको फाइंड आउट किया, तो दैट इज अ पीक। और फिर 10 एएम जो है दैट इज अ मच रॉन्ग। हाँ इप्सिता 6 टू 12 आवर इट्स ओके, बट व्हाट इज योर आंसर। रीवा बता रहा हूं बच्चा, रीवा देखिएगा, जो एनपीएच है, एनपीएच को जब से आपने एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने के नेक्स्ट 6 टू 12 आवर्स में पीक पे पहुंचेगा, 6 टू 12 आवर्स में ये पीक पे जाएगा, और नेक्स्ट 24 आवर्स तक है ना इसका इफेक्ट रहेगा, 24 घंटे तक जो है इसका इफेक्ट रहेगा। अब देखिएगा, अब पेशेंट को मतलब यदि आपने एनपीएच किसी पेशेंट को दिया बच्चों, तो देने के अगले 6 टू 12 आवर में ये इसका पीक रहेगा, और लगभग 24 आवर्स तक जो है इसका इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। अब आपने दिया सुबह 7 एएम को आपने एडमिनिस्टर किया, तो अब आपको देखना है नेक्स्ट 6 टू 12 आवर्स देखना है। अब 8 आवर्स, 8 एएम, 9 एएम, 10 एएम, 11 एएम, 12 नून, 1 पीएम, 2 पीएम, 3 पीएम, 4 पीएम, लाइक दैट, ये फर्दर पीक है। तो 8 एएम, 10 एएम डेफिनेटली कहीं भी कोरिलेटेड नहीं है, ये तो लगभग 12 आवर की बात करें, बट मैं आपसे जो मेंशन कर रहा हूं 3 पीएम जो है वो आपका राइट आंसर है, दैट विल बी इंडिकेटिंग। क्या बात है नागेश, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। नेक्स्ट कैरी ऑन करते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि द प्राइमरी पर्पस फॉर यूजिंग सीपीएम कंटिन्यू पैसिव अ मूवमेंट मशीन फॉर द क्लाइंट विद द टोटल नी रिपेयर इज हेल्प। युक्ता वेरी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया युक्ता। अब आपके सामने बच्चे एक बहुत सुपर एमसीक्यू मैंने पुट किया है कि प्राइमरी पर्पस पूछा यूजिंग सीपीएम। देखिए सीपीएम जो है एक तरह की डिवाइस है, इसको बोल सकते हैं कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट मशीन बोल सकते हैं, फॉर द क्लाइंट विद द टोटल नी रिपेयर। मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जो नी है, पेशेंट का जो नी है इसको रिपेयर किया, इसको रिपेयर किया, तो डेफिनेटली नी को रिपेयर या किसी भी बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के बाद में पेशेंट खुद उस बॉडी पार्ट की एक्टिविटी करवाने में क्या बोले एफर्ट्स लगाने में नहीं होता है, तो हम किसी
और की मदद लेते, लाइक समवन, लाइक सम डिवाइस, तो दैट इज मूवमेंट वी कैन से पैसिव. जो पेशेंट, थैंक यू तारा, जो पेशेंट खुद पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिव मूवमेंट कहलाता है, और किसी के द्वारा पेशेंट को एक्टिविटी करवाई जाती है वो पैसिव मूवमेंट कहलाता है. वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई मशीन हो सकता है, वो कोई डिवाइस हो सकता है. सुनना मेरी बात को ध्यान से. मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राइमरी पर्पज फॉर यूजिंग सीपीएम मशीन फॉर द क्लाइंट विद द टोटल नी रिपेयर इज टू हेल्प प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर. क्या ये सीपीएम से जो हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करेंगे? क्या प्रमोट करेंगे फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट, या आर्टिफिशियल जॉइंट के फ्लेक्शन को प्रमोट करेंगे? क्योंकि नी है, नी जो जॉइंट है उसमें दो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. सीम लिखा, डिक्रीज द पेन एसोसिएटेड विद द अर्ली एम्बुलेशन और एलाइवेट लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इन द लेग मसल. अब आपका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आपको आंसर पुट करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विच इज द करेक्ट वर्ड. देखिए, सीपीएम कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट बोल सकते हैं. आपने एक्टिव देखा होगा, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, और एक आपने देखा होगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन. एक्टिव जो है हमेशा सेल्फ होता है, जो पेशेंट खुद करता है, और पैसिव बाय समवन, समवन दैट वी कैन से पैसिव. यहां पर ये जो डिवाइस है इसके द्वारा जो एक्टिविटीज करवाई जा रही है पैसिव मूवमेंट है. तो ये पर्पस पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा डराया धमकाया आपको, बट मुझे पूरी उम्मीद है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से कि आपका आंसर गलत नहीं होगा. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस टू यूजिंग सीपीएम मशीन फॉर द क्लाइंट विद द टोटल नी रिपेयरमेंट. नी रिपेयरमेंट होने के बाद में इस लक्षराज, शुक्रिया रोहितास, लक्षराज क्वेश्चन ये है कि नी को रिपेयर किया है, फिर एक कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट वाला जो मशीन है वो उस पैर में लगा दिया, और वो आपके लेग को इस तरीके से मूवमेंट करवा रहा है, इस तरीके से मूवमेंट करवा रहा है. तो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, और मैं उम्मीद करता हूं आपका आंसर गलत नहीं होगा. प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, देखिए कॉन्ट्रैक्चर जो है ये ज्यादातर बर्न के बाद होता है, बर्न वाले पेशेंट में, तो ये तो बाहर हो गया. पेन कम होना, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है वो कहीं की अलाइवेट होना, इट्स ओके. मैं, जिन्होंने यहाँ आंसर बी लिखा है उनका आंसर करेक्ट. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, इस इमेज को देखना, ये सीपीएम है, ध्यान से देखना बच्चों. में लिखा है कंटिन्यू पैसिव मोशन मशीन इज टू प्रमोट फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट. ये नी जॉइंट है, ये पेशेंट का नी जॉइंट, नी जॉइंट. अब हमें कोई कहे कि आपके नी के मूवमेंट आप खुद करें तो हमें पेन होगा, वी कांट डू. अब ये लेग जो है जैसे ही पेशेंट का लेग जो है इस डिवाइस से हम ऑपरेट करेंगे, तो हमने क्या किया, अपने लेग को इस डिवाइस के ऊपर पुट किया, फिर फिक्स किया. अब ये मशीन आपके लेग को फ्लेक्शन, मशीन क्या करवा रहा है, ये मशीन जो है ये आपके लेग के मूवमेंट को मदद करेगा, और डेफिनेटली नी जो है, नी दैट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबल टू फ्लेक्शन, नी आपके मूवमेंट को फ्लेक्स करने में मदद करेगा, और यही डिवाइस जो है ये इस मूवमेंट को इम्प्रूव करेगी, ये इस मूवमेंट को इम्प्रूव करेगी. मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आया समझ में आया, दैट इज अ कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन. क्लियर एवरीवन? जी जी ऋषि, बिल्कुल दिखाया था, बट बीच बीच में इसको रिकॉलिंग करने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और इसलिए इस तरीके से कोशिश में करता रहता हूं. A factory worker is brought to the nurse's office after the metal fragment enter his right eye. बहुत जबरदस्त MCQ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा. Factory में काम करने वाले लोग dear nurses के office में पहुंचते हैं after metal fragment enter his eye. Patient के eye में metal fragment enter होने के बाद the nurse should, देखिए जल्दीबाजी मत करना future nursing officers. ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिक आपको जानना होगा, रैशनल आपको जानना होगा, और हर एक एमसीक्यू 3 से 4 क्वेश्चन आपको देख के जाने की कोशिश करता है. यही एमसीक्यू मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई एक फैक्ट्री वर्कर है और वो इमरजेंसी में डियर नर्स के ऑफिस में आया, और उसका आंख में क्या था, मेटल फ्रेगमेंट एंटर हो चुका था, मेटल फ्रेगमेंट आई में जाने की वजह से, तो नर्स क्या करेगी? शुक्रिया सुजीत माथुर, थैंक यू सो मच. तो नर्स क्या करेगी, क्या कवर द राइट आई विद स्टराइल 4x4 गॉज,
इन्होंने क्या लिखा, राइट आईज, बट पेशेंट ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि कौन सी आई के अंदर मेटल फ्रेगमेंट एंटर हुआ। थैंक यू नीतू सिंह, शुक्रिया। यूपीपीएससी ग्रेड टू की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है अभी नेक्स्ट मंथ तक, क्या बात है नीतू, बहुत बहुत बधाई हो मेरा बच्चा। शुक्रिया लक्षराज। बी ऑप्शन में लिखा बच्चों, अटेम्प्ट टू रिमूव द मेटल विथ कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर, तुरंत मेटल को पकड़ के आंख से निकाल लेने का, मेटल को पकड़ के आई से निकाल लेने का। और सी में लिखा है, फ्लैश द आई फॉर 10 मिनट्स विथ रनिंग वाटर, आंख को 10 मिनट तक रनिंग वाटर से वॉश करना। और डी में लिखा, कवर बोथ आई एंड ट्रांसपोर्ट टू द क्लाइंट इन द इमरजेंसी रूम, विच इज द राइट वन, विच इज द करेक्ट वन। इट्स ओके संकेत, वेलकम मेरा बच्चा, डोंट वरी। अब आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या है देखिए, आप अपने लेवल पे इसका आंसर पुट करें, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। क्वेश्चन को समझना, जल्दीबाजी मत करना बच्चों, एमसीक्यू समझना, बात रखना। मेटल फ्रेगमेंट पेशेंट के राइट आईज में एंटर हुआ है, सॉरी राइट आईज मेंशन है, सॉरी सॉरी राइट आईज में एंटर हुआ है। तो इन्होंने लिखा, कवर द राइट आईज द 4x4 गॉज, ठीक है। बी में लिखा, अटेम्प्ट टू रिमूव द मेटल विद द कॉटन टिप एप्लीकेटर। सी में लिखा, फ्लैश द आई 10 मिनट्स रनिंग वाटर। और डी में लिखा, दोनों आईज को कवर करके हॉस्पिटल भेज देंगे। आपका आंसर कैसे बदलता देखिएगा। पहली बात तो मेटल जो है, मेटल फ्रेगमेंट हुआ या वुड चिप, मेटल या वुड चिप की कोई भी इंजरी यदि पेशेंट को होता है, इंजरी पेशेंट की आई में होता है, तो नेवर रिमूव, मतलब हमें अपनी मर्जी से रिमूव नहीं करना है, तो बी बाहर हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी को चाकू मारना बहुत आसान है, पर जब आप उस नाइफ को वापस खींचते हो ना, तो सारा इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, तो ज्यादा डेंजरस है। इंसर्ट करना इजी है, रिमूव करना ज्यादा डेंजरस है। तो हम अपनी मर्जी से मेटल को रिमूव करने की कोशिश नहीं करेगा, ये बी जो है बाहर हो गया। सेकंड, फ्लैश द आई 10 मिनट, ये भी बाहर हो गया। फ्लैश कब करते हैं, फ्लैश कब करते हैं, व्हेन पेशेंट हैव केमिकल इन आईज, पेशेंट के आंख में कोई केमिकल यदि गिर गया, पेशेंट की आई में यदि कोई केमिकल गिर गया, तो बच्चों उस समय हम आईज को फ्लैश करते हैं, उस समय हम आईज को फ्लैश करते हैं। और फ्लैश किससे करते हैं बच्चों, नॉर्मल स्लाइन से, फ्लैश किससे करते हैं बच्चों, नॉर्मल स्लाइन से। तो सी भी बाहर हो गया, सी भी बाहर हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल नीतू एब्सोल्युटली। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपके पास ऑप्शन क्या बच्चा, मैंने बी बाहर कर दिया, मैंने सी बाहर कर दिया। एम लिखा, कवर द राइट आई विद स्टराइल 4x4 गोज, ओनली राइट आईज को ही कवर करना है या दोनों बोथ आई को कवर करना है, तो यहां आपको प्रायोरिटी देना होगा, इट कवर बोथ आईज, और बोथ आईज को कवर करने का पर्पज है प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, साइकोलॉजिकल स्टिग्मा, मेंटल इलनेस, बहुत कुछ डेवलप हो सकता है। तो दोनों आंख को कवर कर दीजिएगा जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अब क्या करना, डॉक्टर डिसाइड करेगा अब क्या करना। तो आपका सही आंसर जो है डी, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल माही, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके फाइन, नेक्स्ट बच्चों, दिवाली ऑफर का आज लास्ट डे है, ये आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। लाइव बैच जो है 7999 का, और ऑफर का लास्ट डे है बच्चों, ऑफर का लास्ट डे है, अदरवाइज वापस से प्राइस बढ़ करके 9000 हो जाएगा। बुकलेट 2777, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी 5999 का बच्चों, और पेन ड्राइव भी 9999। सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, अपने ओटीपी जनरेट करके आईडी पासवर्ड बनाना है, शॉप नाउ पे जाके आप कोर्स को बाय करें, या सिंपल तरीका है 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके आप कोर्स को बाय कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नर्स इज अ कैरिंग फॉर द क्लाइंट द सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। देखिए ये जो है ओटो, ये जो है बच्चों ओटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज, और ये इंटेगुमेट्री को अफेक्ट करता है, इंटेगुमेट्री सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये कार्डियक, ये रीनल इन सिस्टम को अफेक्ट करता है, दैट इज अ सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। मैं लिखा द नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट विद द सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, SLE। द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, मतलब यदि किसी पेशेंट को ये सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस डिजीज है, संकेत टैलांग बेटा वेलकम वेलकम, बार बार मैसेज मत पुट करो प्लीज, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, डोंट इंटरप्ट अगेन एंड अगेन। The nurse is caring for the client with the systemic lupus erythematosus, the major complication associated with the systemic lupus erythematosus. मैंने कहा था ये एक तो autoimmune disease है, integumentary system को affect करता है, cardiac को करता है, renal को करता है। अब मैं complications यहाँ पर put कर रहा हूँ, क्या patient को nephritis हो सकता है? मैं लिखा lupus की वजह से क्या complication हो सकता है? क्या patient को cardiomegaly हो सकता है? क्या patient को disquamation हो सकता है? या meningitis हो सकता है? मेनिनजाइटिस हो सकता है। अपना अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, विच इज द राइट वन, विच इज द राइट वन, नेफ्राइटिस, कार्डियोमेगली। देखिए कार्डियोमेगली कहते हैं एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट की एनलार्जमेंट को कार्डियोमेगली। डिस्क्वामेशन का मतलब होता है रैशेस, रैशेस, और ये रैशेस कहां पर होगा? स्किन पे, और स्किन की भी आउटर लेयर में, आउटर लेयर में ये रैशेस होगा, जिसको बोलते हैं डिस्क्वामेशन। मेनिनजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस, आपको सबको पता है मेनिनजाइटिस को हम कहते हैं बच्चों इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजस, दिस अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और नेफ्राइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, विच इज अ करेक्ट वन। मैं थोड़ा और आपको आइडिया दूं, यदि किसी पेशेंट को सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस है तो ये डिजीज किडनी को डिस्टर्ब करेगी, किडनी को डिस्टर्ब, ए एंड डी में कंफ्यूजन है, मैंने कहा नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रोक दीजिएगा, किडनी को छेड़ेगी। शुक्रिया नीतू, अब ऑलमोस्ट बच्चे जो है सही ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आंसर लिख रहे हैं नेफ्राइटिस, कुछ बच्चे कार्डियोमेगली, कुछ डिस्क्वामेशन लिख रहे हैं, कुछ मेनिनजाइटिस लिख रहे हैं। अच्छा ए लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया। मैंने बताना चाहता हूँ एक्चुअली बटरफ्लाई रैशेस जो है वो कॉमनली SLE में मिलते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस जो है उसमें बटरफ्लाई रैशेस मिलेंगे, नॉट डिस्क्वामेशन, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा किडनी को अफेक्ट करेगा तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, जो थैंक यू छाया द्विवेदी, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, आपकी नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करता है, बिकॉज एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपकी बॉडी करेगी, आपके बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो दैट दैट सिंपली वी कैन से दैट कैन कॉज नेफ्राइटिस। विच डाइट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, वो कौन सी डाइट है, कौन सी डाइट है जो कोलोरेक्टल कैंसर कर सकती है, कोलोरेक्टल कैंसर। देखिए आप ये भी सोचिएगा डाइट भी कैंसर कर सकती है, डाइट भी कैंसर कर सकती है, माय माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो विच डाइट इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, कौन सी डाइट है जो कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर सकती है। मैंने ऑप्शन ए लिखा हुआ है लो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बी में लिखा हाई प्रोटीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सी में हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, और डी में लो कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। एक चीज क्लियर कर लेना कि हमेशा कैंसर के लिए मैं कहूं तो फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से फैट ज्यादा डेंजरस है। फैट जो है जैसे अपन कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है लगभग, कार्बोहाइड्रेट जो है फैट जो है
और प्रोटीन जो है, तीनों में यदि 1 ग्राम की हम बात करें, 1 ग्राम की हम बात करें तो सबसे ज्यादा कैलोरी कौन देता है? 9 किलो कैलोरी कौन देता है? फैट देता है। कार्बोहाइड्रेट 4 देगा, प्रोटीन भी 4 देगा, और फैट जब ब्रेकडाउन होता है तो आपको पता है क्या बनता है? कीटो, है ना। तो फैट बहुत खतरनाक है, मतलब ज्यादा फैटी सब्सटेंस आप खाओगे ना, इट मे रिस्क कैन कॉज कैंसर। मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा कि वो कौन सी डाइट है जो कैंसर, स्पेशली कॉलोरेक्टल कैंसर जो है उसका रिस्क बढ़ा देती। तो बच्चों ने आंसर समझ लिया, और यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो है वो सी पर फोकस करेगा, सर हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन, एब्सोल्युटली फाइन। हाई फैट जो है हमेशा डेंजरस होता है बच्चों, हाई फैट। मैंने मेंशन किया कि हाई फैट कैसे अफेक्ट करेगा, लाइक जब हाई फैट हम देंगे तो इंक्रीज होगा फीकल बाइल एसिड विच फैसिलिटेट टू कार्सिनोजिन चेंजेस। ज्यादा फैट होगा तो क्या बनेगा बच्चों, दैट वी कैन से फीकल फीकल बाइल एसिड बनेगा, और फीकल बाइल एसिड ज्यादा होने की वजह से कार्सिनोजेनिक चेंजेस डेवलप होगा, कार्सिनोजेनिक। देखिए कार्सिनोजन और कार्सिनोजेनेसिस, ये दो टर्म्स आपको मैं बता देता हूं। कार्सिनोजन, कार्सिनोजन, पहले ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब मैं पुट कर रहा हूं, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन ये मीनिंग आता है, एक होता है कार्सिनोजेनेसिस, दोनों का फर्क समझिएगा। कार्सिनोजन जो है इट इज अ कॉज, कैन कॉज कैंसर, एक बात का ध्यान रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैंसर कॉज करने वाले सभी फैक्टर को कार्सिनोजन कहते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज कैंसर इज नाउन एज कार्सिनोजन। और कार्सिनोजेनेसिस का मतलब जो नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल सेल है ना, वो कैंसर सेल का रूप ले लेना, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाना, दैट प्रोसेस वी कैन से कार्सिनोजेनेसिस। दो टर्म्स मैंने पुट किया, दोनों का डिफरेंस जानने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कार्सिनोजन, तो आपको आंसर लिखना है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज कैंसर इज नाउन एज कार्सिनोजन। और कार्सिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस टू चेंज अ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल इज नाउन एज कार्सिनोजेनेसिस। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, that is the right answer, your C is the right answer. Next carry karte bachcho, the nurse is caring for the infant following the cleft lip repair. Dekhiye cleft lip repair ko bolte chiloplasty, chiloplasty repairment of cleft lip, which can comforting the infant the nurse should avoid. Kaun sa jo hai वो डिवाइस अवॉइड करेगा बच्चे के कंफर्ट लिए? बच्चों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जितना इजी लिख रहा है उतना इजी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि द नर्स केयरिंग फॉर द इन्फेंट, नर्स उस इन्फेंट का केयर कर रही है जिसको क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ है, और क्लेफ्ट लिप को रिपेयर होने को क्या बोलते हैं? चिलोप्लास्टी। व्हाइल कंफर्टिंग द इन्फेंट, अब उस बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करनी, उस बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, the nurse should avoid, what kind of activity nurse should avoid to give, to provide comfort to the infant. समझ रहे बच्चों? Without option आपको पहले mindset create करना है कि actually क्या answer हो सकता है। बच्चे का cleft lip repair हुआ, lip repair होने के बाद में बच्चे को comfort level देना है, तो dear nurse क्या avoid करेगी, क्या avoid करेगी? मैं option A लिखा है, क्या holding the infant, बच्चे को होल्ड करने से अवॉइड करेगी, क्या बच्चों ऑफरिंग ए पैसिफायर, क्या पैसिफायर जो डिवाइस होती है जिससे बेबी सक करता है उसको अवॉइड करेगी, या प्रोवाइडिंग ए मोबाइल पेशेंट के मूवमेंट को प्रोवाइड करेगी, या ऑफरिंग स्टराइल वाटर, ऑफरिंग स्टराइल वाटर। बच्चों आंसर पुट करने की कोशिश करना, बहुत मजेदार एमसीक्यू है, क्लेफ्ट लिप के रिपेयरमेंट का क्वेश्चन, चिलोप्लास्टी, मैंने आपको ऑप्शन बताया, और चिलोप्लास्टी हो चुकी है, उस बच्चे को कंफर्ट दिलाने के लिए क्या अवॉइड करेगी डियर नर्स? पुट द राइट आंसर एवरीवन, व्हिच वन इज करेक्ट,
विच वन इज करेक्ट, पैसिफायर को अवॉइड करना बच्चे ये कहना चाह रहे हैं। मैं हिंट देता हूं, आफ्टर रिपेयरिंग लिप्स, लिप्स के रिपेयर होने के बाद में, आफ्टर रिपेयरिंग लिप्स बेबी अनेबल टू होल्ड निप्पल और पैसिफायर, मतलब बच्चा जो है लिप की सर्जरी होने के बाद और निप्पल्स को ना तो होल्ड कर पाएगा ना पैसिफायर जो एक डिवाइस आती है लुक्स लाइक निप्पल्स उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। थैंक यू लक्ष्य, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और होल्ड नहीं कर पाएगा तो सक नहीं कर पाएगा, सक नहीं कर पाएगा तो फीड नहीं कर पाएगा। तो ऑलमोस्ट बच्चों को आइडिया लग चुका होगा सही आंसर क्या है। क्या बात है, बी आपने लिखा है, कुछ ने सी लिखा है, अब गलत नहीं होना चाहिए लक्षराज। सी नहीं है बेटा, सी नहीं है लक्षराज, जस्ट वेट इन वॉच। मैंने लिखा है कि जब भी पेशेंट का लिप्स हम रिपेयर करें उसके बाद में बच्चा जो है निप्पल को और फेसिफायर को होल्ड नहीं कर पाता लिप्स के बीच में, बिकॉज लिप्स उसका रिपेयर हो चुका है। तो हमें कोई भी ऐसी डिवाइस पुट करेंगे जो बच्चे को सक करना होता है, डेफिनेटली कैन कॉज डिसकम्फर्ट और हमें डिसकम्फर्ट को अवॉइड करना है, डिसकम्फर्ट को अवॉइड करना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफायर को अवॉइड करना। पैसिफायर क्या है, आपने देखा बोतल के ऊपर एक ऐसा आता है जिससे बेबी जो क्या करता है सक करता है बोतल के मिल्क को, दैट सिंपली वी कैन से पैसिफायर। क्लियर आया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था फिजिशियन हैज ऑर्डर एमोक्सिल या एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल कैप्सूल फॉर क्लाइंट विद ईसोफेजियल वेराइसिस। पेशेंट को ईसोफेजियल वेराइसिस था, नर्स कैन बेस्ट केयर फॉर द क्लाइंट नीड बाय, थोड़ा देखते समझने की कोशिश करना। अब देखिएगा, अब थोड़ा हाँ मैं हिंट देता हूं, ईसोफेजियल वेराइसिस का कॉज है ड्यू टू लिवर फेलियर, लिवर फेलियर की वजह से होता है और इसमें क्या होता है रप्चर या टॉर्टस, ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स। और डॉक्टर लिखा कि एमोक्सिसिलिन देना 500 एमजी देना बच्चों कैप्सूल देना है। तो डियर नर्स जो है बेस्ट केयर के लिए क्या उसके लिए जरूरी है, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। पटेल गणेश क्या बात है, बहुत क्विक पिक किया बेटा आपने। हम ऑप्शन ए लिखा है गिविंग द मेडिकेशन एज ऑर्डर, जो डॉक्टर ने मेडिकेशन ऑर्डर किया वो देना है। बीम लिखा प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाटर विद द मेडिकेशन, पेशेंट को एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड करना ड्रग के साथ। और सी में लिखा हुआ गिविंग द मेडिकेशन विद द एंटासिड, और डी में लिखा हुआ है रिक्वेस्टिंग द अल्टरनेट फ्रॉम द मेडिकेशन, पेशेंट को इस ड्रग का अल्टरनेट के लिए रिक्वेस्ट करना है। अब आंसर पुट करेंगे, विच वन इज करेक्ट वन। शुक्रिया युक्ता, क्विक आंसर पुट करिएगा बेटा, चार ऑप्शन आपको पुट किया है। डेफिनेटली एंटीबायोटिक है, कोई शक नहीं है एंटीबायोटिक है, यहां तक तो ठीक है। अब मैं थोड़ा और हिंट देता हूं, ईसोफेजियल वेराइसिस वाला पेशेंट जो है रिस्क कैन कॉज ब्लीडिंग, क्या हो सकता है इसको ब्लीडिंग हो सकता है। डॉक्टर लिखा अमोक्सिलिन ऑरली लिखा है, ऑरली लिखा है, ये पूरा पूरा जो कैप्सूल लिखा है ना मतलब ऑरली, और ऑलरेडी पेशेंट को रिस्क है ब्लीडिंग का, ऑलरेडी पेशेंट को रिस्क है ब्लीडिंग। यदि ऑरली कोई कैप्सूल को पेशेंट इनटेक करता है तो कैप्सूल जो है डिवाइस जैसे आपके ईसोफेगस में जाएगा इट मे बी कैन कॉज इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो डियर नर्स क्या करेगी उसके लिए, डी को लॉक कर दिया जाए। क्या बात है, एब्सोल्युटली नरेन बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल शुभम मेडिसिटी एब्सोल्युटली फाइन आपका आंसर की। सर हमें अल्टरनेट रिक्वेस्ट करना है क्योंकि ऑरली अवॉइड करना, ऑरली अवॉइड करना इफ द पेशेंट डज हैव ईसोफेजियल वेराइसिस, क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ ब्लड आता है। तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव हम ढूंढेंगे, तो अल्टरनेटिव के लिए हमें रिक्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नया ऑफलाइन बैच फाइनली वो दिन आ रहा है जहाँ बहुत सारे बच्चे जेएनसी जोधपुर में आके पढ़ना चाह रहे थे, जिन्होंने अपना
रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आज बच्चे पहुंचने लग गए हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को ऑफलाइन बैच नॉर्सेट 2023 के लिए स्टार्ट हो रहा है। और 30 अक्टूबर वाले बैच का जो है ऑफर जो है वो अभी भी कंटिन्यू रखा है, 25,000 रुपए। इस 25,000 रुपए फीस में आपको जेएनसी की बुकलेट भी मिलेगा, जेएनसी का बुकलेट भी मिलेगी जिसमें सारे नोट्स है। साथ में क्लास का टाइम जो है 3 to 7 PM रहेगा फिलहाल। 30 डेज में आपको 30 डेज क्लास अटेंड करना होगा। वीकली टेस्ट आपको जरूरी है देना 150 MCQ के साथ। और एक और बात, साथ में होंगे बच्चों मॉडल पेपर, एम्स नॉर्सेट 2023 के मॉडल पेपर। बस आपको तैयार हो जाना है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है। बस एक बात का ध्यान रखना, व्हेन यू कम टू जेआईएनसी जोधपुर यू शुड कम विद मिशन, और मिशन आपका होना चाहिए नॉर्सेट 2023। और आप अपना कीमती टाइम दीजिएगा और सिलेक्शन लेके जाइएगा। नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 9636032691 नंबर पे 1000 रुपीज आपको भेज के अपनी सीट को कंफर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हिच फूड इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, व्हिच फूड इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन। एक बात को ध्यान से समझना गौरी, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर, डोंट वरी छाया, यू विल कवर, आई विल बी टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने कहा है कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीधा ये पूछ लेते ना कि इन चारों ऑप्शन में से आयरन का पुअर सोर्स कौन है, तो बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने डराया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि डाइटरी इंस्ट्रक्शन देना उस पेशेंट को जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो विच सोर्स इज अ पुअर, कौन सा पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, कौन सा पुअर सोर्स ऑफ आयरन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डेफिनेटली लक्षराज मोस्ट वेलकम। कौन सा पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, क्या टोमेटोस, क्या लेग्यूम्स, क्या ड्राइड फूड, क्या नट्स, फुट करिएगा बच्चे, विच इज द करेक्ट वन। कौन सा, देखिए इसमें मैं बता दूं, तीन जो है वो आयरन के गुड सोर्स है, इतना हिंट दे देता हूं, और एक जो है वो आयरन का पुअर सोर्स है। और जो पुअर सोर्स है वो विटामिन सी का गुड सोर्स है। अब तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, मैंने इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है आपको समझ में आना पड़ेगा। बिल्कुल शुभम, मैंने कहा तीन गुड सोर्स है इन चारों में से आयरन का, एक नालायक पुअर सोर्स है, जो पुअर सोर्स है वो विटामिन सी का गुड सोर्स है, विटामिन सी का गुड सोर्स है। अब आप आंसर पुट करिएगा, महिमा कौशिक, क्या बात है महिमा, बहुत बढ़िया, आंसर पुट करिएगा। ए आंसर आ रहा आपका, ओके फाइन, मतलब आपके अकॉर्डिंग टमाटो जो है वो करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज ये पुअर सोर्स है, आयरन इसमें भी रहता है, ये पुअर सोर्स है, बट इसमें फायदा क्या है, विटामिन सी का गुड सोर्स भी है। यदि विटामिन सी किसी पेशेंट को चाहिए तो टमाटोज खिलाओ, तो उसको हम इसको गुड सोर्स के रूप में भी जानते हैं बच्चों। और आपने ये आंसर बिल्कुल सही लिखा, बाकी तीनों को मैंने कहा कि दीज आर द गुड, क्या बात बच्चों। रुपेश आप टमाटर भी लेके आगे देखिए चैट बॉक्स में, है ना। आरजी खान सेम टू यू बेटा, क्या बात है। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स इज अ प्लानिंग डाइटरी चेंजेस फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, व्हिच डाइट सुटेबल फॉर। देखिए सीधा कहानी ये पूछी है कि पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को डाइट क्या दोगे, बट उन्होंने घुमाने के लिए क्या कहा है, द नर्स प्लान करे डाइटरी चेंजेस फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग द एपिसोड ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। देखिए पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है ऑटो डाइजेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन, वन ऑफ द वी कैन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसका ऑटो डाइजेशन कैन कॉज पैनक्रियाटाइटिस। और पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट लिए सुटेबल डाइट क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। मैंने ए ऑप्शन लिखा है, लो कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट, कम कैलोरी कम कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं क्या। दूसरा मैंने लिखा हाई कैलोरी लो फैट, तीसरा मैंने लिखा बच्चों हाई प्रोटीन हाई फैट, और चौथा ऑप्शन है लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट। क्या बात है,
चार ऑप्शन आपके सामने, इंफ्लामेशन और पैनक्रियाज। मैं और हिंट दूं आपको, यू नो एमाइलेज, थोड़ा और हिंट, एमाइलेज, यू नो बच्चों लाइपेज, यू नो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज जो है फैट को ब्रेक डाउन करता है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और ये तीनों एंजाइम पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास को इन्फ्लामेशन हो गया, पेनक्रियास को इन्फ्लामेशन हो गया, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। अब सही क्या, देखिए मैंने कहा था एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फैट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, तीनों एंजाइम पेनक्रियास से आते हैं, और पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस हुआ है और पेशेंट को डाइट एडवाइस करना है, तो विच आर द सब्सटेंस विल इंक्लूड, कौन कौन सा सब्सटेंस जो है डाइट में इंक्लूड करना है, आपके सामने चार ऑप्शन, लो कैलोरी, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, विच इज द करेक्ट वन। बट बच्चों ने सबने लिखा कि सर कैलोरी ज्यादा होगा, फैट कम, क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि पेशेंट का जो लाइपेज है वो आ नहीं पा रहा है, और लाइपेज आ रहा है तो फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, और फैट हमेशा अदर सब्सटेंस में मच डेंजरस होता है, फैट ऑलवेज डेंजरस, फैट का लेवल ज्यादा होना इट मे कैन कॉज कैंसर, इट मे कैन कॉज मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, बट इसीलिए यहां पर भी हमने क्या किया है, फैट कम दिया है, कैलोरी चाहिएगा वर्क करने के लिए, कैलोरी चाहिएगा, बट वी शुड एडमिनिस्टर लो फैट, क्या बात है, ऑलमोस्ट। बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, और बनोगे नर्सिंग ऑफिसर, बनोगे नर्सिंग ऑफिसर, जज्बा चाहिए बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर बनने का जुनून चाहिए। आपने सुना है कभी कभी आपके दोस्त आपके पास बैठते और कहते हैं, अरे यार मैं बचपन में ऐसा करना चाह रहा था बट कर नहीं पाया, मैं सोच रहा था ऐसा कर लूं मैं कर नहीं पाया, मेरे फैमिली ने साथ नहीं दिया, मेरी परिस्थिति ने साथ नहीं दिया, वो रोना रोता है बच्चा, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका नियरेस्ट, आपका डीएस हो सकता है, वो ऐसा रोना रोता कि यार ये मैं कर नहीं पाया। याद रखना वक्त उसके पास भी था, जो आज आपको ये कहता है कि मैं कर नहीं पाया तो वक्त था उसके पास, और आज वही वक्त आपके पास है। क्या आप चाहते हो फ्यूचर में किसी दोस्त के पास बैठ के कि यार मैं नॉर्सेट में सिलेक्शन ले नहीं पाया, या आप ये कहना चाहते हो कि आई डिड इट, मैंने करके दिखाया। बोथ थिंग्स विल बी अप टू यू, कैन यू सेलेक्ट टू डू हार्ड वर्क रीच टूवर्ड्स योर नॉर्सेट, कैन यू सेलेक्ट वेस्ट इज योर टाइम एंड हमेशा जिंदगी में पछतावा, और घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती। नॉर्सेट 2023 17 सितंबर, डेट ऑलरेडी डिक्लेयर है, टारगेट आपके सामने है, गोल आपके सामने है, मेहनत आपको करना है, गोल आपका, मेहनत आपकी, सपना आपका, तो पूरा भी तो आपको करना होगा ना, इसलिए चार्ज बैक होके आएगा ये दिवाली की खूबसूरत पल के साथ, कम बैक करना है और अपनी स्टडी का रीशेड्यूल करना है, हार्डवर्क को मेंटेन रखना है, और मिलेंगे नॉर्सेट 2023 के सिलेक्शन के बाद, तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है। करोगे ना, यस नो, करोगे ना, तो जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, यू कैन डू, यू विल बी डू, यू से योर सेल्फ यस आई कैन, यस आई कैन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला एमसीक्यू क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा, A client with the hypothyroidism frequently complain feeling cold. Feeling cold, my loving future nursing officer. The nurse should tell the client that she will be more comfortable. Thoda tricky hai, but I hope ki aap sahi answer put kare. Patient hai, usko hypothyroidism hai, matlab usko T3 aur T4 ka hyposecretion. तो हाइपोसिक्रीशन है, इसका मतलब पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हुआ है, तो पेशेंट को क्या लगेगा, टू कोल्ड, तो पेशेंट को कोल्ड जो है इंटॉलरेंस नहीं हुआ, तो पेशेंट फ्रीक्वेंटली कह रहा है मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट शी विल मोर कंफर्टेबल, तो डियर नर्स उस पेशेंट को बता रहे कि आप कब मोर कंफर्टेबल हो सकते हो, आप कब मोर कंफर्टेबल हो सकते हो, क्या इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट को आप यूज करते उस समय, क्या एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग यूज करने से,
क्या हीटिंग पैड हर फीट में लगाने से या टेक ए हॉट बाथ मॉर्निंग एंड इवनिंग, विच इज द करेक्ट वन? देखिए बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ, जब पेशेंट फील करता टू कोल्ड, जब पेशेंट टू कोल्ड फील करेगा, देन लॉस सेंसेशन, तो पेशेंट का सेंसेशन भी क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। जब सेंसेशन लॉस होगा तो याद रखना, हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट का यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट ऑलवेज रिस्क कैन कॉज बर्न। पेशेंट ऑलरेडी डज नॉट हैव द सेंसेशन। जब सेंसेशन नहीं प्रेजेंट है और आप इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट पेशेंट को दे रहे हो, तो इट मे बी प्रोबेबिलिटी कैन कॉज दैट इज अ बर्न। दूसरा, हीटिंग पैड भी यदि हम अप्लाई करेंगे तो और रिस्क होगा पेशेंट को बर्न की। क्यों रिस्क होगा? क्योंकि सेंसेशन में कबाड़ा हो रखा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने सी को बाहर कर दिया, मैंने ए को बाहर कर दिया, बी और डी दो ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा करेक्ट होगा? क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ज्यादातर बच्चे बी पे रुके कि सर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग, क्या बात है, आपको भी सर्दी लगती है, तुम रात को कंबल एक की जगह दो ओढ़ लेते। ये सुनो सिंपल तरीका, जब पेशेंट को हार्म ना हो, जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क बहुत कम हो, तो दैट इज योर राइट आंसर। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन पुट एक्स्ट्रा लेयर इन अ क्लोथ। आप जो कपड़े वियर करते हैं उनमें एक्स्ट्रा लेयर यूज करिएगा, इट मे प्रिवेंट टू कोल्ड। ओके फाइन। और एक क्वेश्चन कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए क्लाइंट हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ लेरिंजियल कैंसर। पेशेंट को लेरिंजियल कैंसर था, दैट इज अ लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स। लेरिंजियल कैंसर था। विच फैक्टर इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट टू डेवलप लेरिंजियल कैंसर? अरे सीधे पूछ लेते ना कि लेरिंजियल कैंसर का कॉज क्या है। क्वेश्चन में देखो, हमेशा क्वेश्चन ट्रिकी बनाने का तरीका एग्जामिनर का है कि वो अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछेगा और लास्ट में एक सिंगल लाइन होगा जो आपसे पूछना चाहता है, आपको सिंगल लाइन को ढूंढना है। इन्होंने बड़ा डरा कि एक पेशेंट है हॉस्पिटलाइज हुआ, डायग्नोसिस लेरिंजियल कैंसर था, विच फैक्टर इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द लेरिंजियल कैंसर? कौन सा फैक्टर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेरिंजियल कैंसर डेवलप होने, कौन सा फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेरिंजियल कैंसर डेवलप करने में? ऑप्शन ए, फैमिली हिस्ट्री ऑफ लेरिंजियल कैंसर, क्या परिवार में किसी मेंबर को लेरिंजियल कैंसर था? क्रॉनिक इनहेलेशन ऑफ नॉक्सियस फ्यूम्स, फ्रीक्वेंट स्ट्रेनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको, दारू और सिगरेट, तो कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप लेरिंजियल कैंसर? फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन। हाँ सुरजीत, कोशिश की है, आई होप कि ये आपको काफी मदद करे आने वाले एग्जाम में। हाँ रश्मि, और मैं बताना चाहता हूं कि एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को हर फेज को इंट्रोड्यूस करे, सिर्फ ये नहीं बोले कि बेटा ह्यूमन बॉडी में बॉन कितनी होती है, आउटर लेयर कौन सी होती है, ये भी बताना जरूरी, बट जब तक आपको उस एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्सेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और ये जितना भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, इट्स टू मच टफ फॉर मी, बट आई लव टू डू हार्ड वर्क, है ना। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जो बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर मैंने नाम रखा ना, बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर, यू आर द बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स, यू आर गोइंग टू बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स, आप है वो, और आपके लिए एमसीक्यू है। और इन एमसीक्यू यदि आपने 100% समझ लिया ना, तो नॉर्सेट 2023 आपका। और एक टीचर की जिम्मेदारी है बच्चों को सिर्फ हथेली पे रख के चलाने से सिलेक्शन नहीं होता, रिपीटेटर क्वेश्चन आपके सामने पुट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको पता करवाना जरूरी है कि आपको सच में कितना नॉलेज है और कितना पढ़ना है, क्या आप इस तरीके के एमसीक्यू को सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप नॉर्सेट 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ कमी है तो सुधार करो, एक्स्ट्रा पढ़ो, बेसिक क्लियर करो, और चले आओ बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू क्लास में। और जिस दिन नॉर्सेट 2023 का पेपर होगा ना, ये सीरीज के क्वेश्चन उठा के देख लेना और अपने आप बताना कि आए कहां से, ये आपके बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर सीरीज से आए, है ना। और दैट्स रियलिटी, एक एक क्वेश्चन बनाने में बहुत पसीना बहता है, बट बहुत मजा आता है कि आपको उस नॉलेज को आपसे मैं कुरेद पाऊं, दिमाग के खोपड़ी के सारे दरवाजे खोल पाऊं कि यार ऐसा भी होता है क्या, है ना।
अब मैं आपसे पूछूं कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर, रमेश नायक डोनेटिंग 29 रुपीज, थैंक यू रमेश, कि हार्ट के कितने चैम्बर होगा, आप कहोगे सर चार होते, मैं कहूँ वॉल कितने, आप कहोगे चार होते, बट मैं इस तरीके के एमसीक्यू पूछूंगा तो आप वेट करोगे, सोचोगे, समझोगे, आंसर दोगे, तो आपका सोचने का बहुत कुछ नया हो जाएगा, बहुत कुछ बढ़ जाएगा। तो यह आपका हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप, दैट इज अ कैंसर। तो ये आज का सेशन बच्चों यहीं तक था, और ये मेरी कोशिश जो है जारी रहेगी। कल मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा ठीक सुबह 10:30 बजे। अपना प्यार सम्मान ऐसे ही बनाए रखिएगा, और जल्दी एक गुड न्यूज आपको दूंगा, बस थोड़ा आप वेट करें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।